हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडिट ऐप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं आज का ये स्थापना सेशन जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्शरी विंड्स बट बिफ़ोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कंटेंट अवेलेबल हो रहा है उससे आपकी प्रिपरेशन में मदद मिल रही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि वहां पर आप एब्सल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडेबल पी पा सकते हैं जो कि सेशन uh, हमारे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लेते हैं उन चैनल से जुड़ा हुआ सारा कंटेंट आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल होता है इसके अलावा और भी बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकता है इट विल भी अवेलेबल डाउनलोड ऑन आर टेलीग्राम चैनल इन एडिशन टू दिस अगर अगर आपको आपको इस इस वीडियो वीडियो में में जो आपको मिलने वाली है, 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 वो वो पसंद आती है, वो आपकी मदद करती है, तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिए, राइट? So, सो स्थापना. स्थापना की डिस्कशन की थी और हमने लास्ट टू स्थापना जो को हुए को, वहां पर आपके साथ और प्राइमरी विंड्स

पूरे वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में ब्लो करती हैं और वहां की लोकल वेदर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं हैं बेसिकली ये जो विंड्स 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 अगर हम इनको करें फ्रॉम फ्रॉम दी दी प्राइमरी और सेकेंडरी तो हमें पता है कि प्राइमरी विंड्स या विंड्स वो पूरे प्लान के ऊपर ब्लो करने वाले विंड्स हैं एंड दे ब्लो बिकॉज ऑफ द डिफ्रेंसेज इन लैटिट्यूडनल प्रेशर जोन्स जहां पे इक्वेटर सब ट्रॉपिकल जोन सब पोलर जोन और पोलर जोन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो विंड्स ब्लो करती हैं सेकेंडरी विंड्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा वो रेगुलरली डायरेक्शंस को चेंज करने वाली विंड्स हैं जो सीजनल डायरेक्शन सीजनल साइकिल में या डे नाइट साइकिल में अपने डायरेक्शंस को चेंज करती हैं अब ये जो टर्शरी विंड्स हैं ये कुछ ऐसे विंड्स हैं जो दुनिया की कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस में और कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ब्लो करती हुई हमें देखने को मिलती हैं और इनकी ड्राइविंग फोर्स वहाँ की लोकल फिजियोलॉजी वहाँ का लोकल वेदर और लोकल कंडीशंस होती हैं ठीक है एक एक करके अगर हम इन विंड्स को देखें कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्स में स्पेशली जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है

Europe की यूरोप की पर्टिकुलर जो ज्योग्राफी है उसके बेसिस पे डेवलप होती हैं जैसे मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड है लेवांट जो कि स्पेन और पुर्तगाल के रीजन में ब्लो करती है फेन विंड जो आल्प्स से ब्लो करती है बोरा विच ब्लोस थ्रू दी एड्रियाटिक सी राइट पर सेशन में एक एक करके कुछ कंसेप्ट को हम यहां पर समझ लेते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं क्वेश्चन को आंसर करने में सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम कैटाबैटिक विंड लास्ट uh, जो हमने सेशन लिया था जहां पर मैंने आपके साथ माउंटेन एंड वैली ब्रीजेस को डिस्कस किया था वहां कैटापैटिक विंड्स की भी बात हुई थी कि कुछ विंड्स ऐसी होती हैं जो कि कोल्ड और हाई डेंसिटी एयर को हाई एलिवेशन की जगह से नीचे की तरफ खींचने का काम करती हैं हमें पता है कि जब भी हवा कोल्ड हो जाती है ठंडी एयर है कोल्ड एयर है दिस कोल्ड एयर इट बिकम्स मच मोर डेंसर ज़्यादा डेंस हो जाती है और इसकी वजह से भारी हो जाती है और ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करती है ठीक है अगर यहां ये कोल्ड विंड किसी हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन में डेवलप होगा तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से जब ये विंड नीचे आती है तब ये वॉर्म हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि हवा और एयर वेन एवर इट गोज अप इट कूल्स डाउन, वेन इट कम्स डाउन इट हीट्स अप, अप, इट गेट्स तो इस वजह से ये जो कोल्ड एयर किसी हाई ऑल्टीट्यूड जगह पर थी जब ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगी तो धीर धीरे धीरे गर्म हो जाएगी ठीक है जितनी तेजी से ये विंड नीचे आती है उतनी तेजी से इसका टेम्परेचर राइज अप होता है तो so, ये जो विंड्स हैं इनको हम बोलते हैं कैटाबेटिक विंड्स तो so, कैटाबैटिक क्या प्रॉपर्टी uh, हुई कि सबसे पहले ये कोल्ड विंड्स होती हैं कैटाबैटिक विंड्स कोल्ड सॉरी ये कोल्ड विंड्स नहीं होती कोल्ड एयर होती है जो जब वो डाउन हिल फ्लो करती है जब वो किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन से हायर एलिवेशन की जगह से डाउन द स्लोप फ्लो करती है अंडर ग्रेविटी देन इट बिकम्स अ वार्म विंड एंड इट बिकम्स अ कैटाबैटिक विंड ठीक है तो एयर इनिशियली कोल्ड थी लेकिन जब वो फ्लो करके नीचे आने लगी तब वो वार्म विंड बन गई उसका टेंपरेचर राइज अप हो जाएगा ठीक है और उस एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर भी हमें अब ज्यादा फील नहीं होगा क्योंकि एयर अब ज्यादा गर्म हो चुकी है सो दीज काइंड ऑफ विंड्स दे आर ट्रूली फाउंड इन एड्रियाटिक सी जिसको हम बोरा नाम देते हैं ओर माउंटेन्स में बोहिमियन विंड सेंटा एना इन सदर्न कैलिफोर्निया ग्रीनलैंड में इसको पिटराक और ओरूशी नाम दिया जाता है जापान में और ये विंड ज्यादातर हमें अपने पोलर एरियाज में भी देखने को मिलती है अगर एंटार्टिका की मैं बात करूं तो एंटार्टिका में तो मिडिल पोर्शन ऑफ एंटार्टिका इज क्वाइट हाई अबाउट फोर किलोमीटर थिक आइस की शीट है एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट के ऊपर ठीक है तो ये फोर किलोमीटर एक कम हाइट नहीं है ये एक काफ़ी अच्छी खासी हाइट है एक माउंटेन जितनी हाइट है और इस पूरी आइस शीट के ऊपर बहुत कोल्ड एयर जमा रहती है राइट right? जब ये कोल्ड एयर बहुत ज्यादा डेंस और भारी हो जाती है तो ये अंटार्कटिका के साइड नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करती है जहां पर आइस सीट जाकर मेल्ट हो रही है ओशन्स में मिल रही है वहां पर तेजी से ये हवा नीचे आती है और नीचे आने की वजह से इट गेट्स वेरी वार्म और वार्म होते हुए गर्म होती है जब ये तो आइस शीट्स को मेल्ट करती हुई ओशन के अंदर लेकर जाती है ठीक है सो दिस काइंड ऑफ विंड इज यूजली सीन इन कोल्डर एरियाज जहां पर विंड पहले ठंडी हो जाए बहुत भारी हो जाए और उसके बाद नीचे फ्लो करना स्टार्ट करे ठीक है इसी तरीके से कैटाबेटिक विंड हमारे लोकल वेदर को भी इन्फ्लुएंस करती हैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चिनूक और फेन विंड दिस चिनूक विंड इज फाउंड इन द नॉर्दर्न अमेरिका और फेन विंड इट इज फाउंड इन यूरोप और दोनों हमारी कैटाबेटिक मतलब विंड है कि ये किसी माउंटेन रेंज से नीचे की तरफ आती हैं और नीचे की तरफ आते वक्त काफी गर्म हो जाती हैं एंड इन चिनूक्स केस इट इज कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ रॉकीज माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका एंड फेन विंड कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ एल्प माउंटेन इन यूरोप्स राइट एंड दिस विंड इट बिकम्स वेरी वॉर्म एंड ड्राई वेन इट कम्स डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेंस राइट जब ये माउंटेन्स के ऊपर चढ़ रही होती है तो ये बहुत तेजी से ठंडी होती है वहां पर रेनफॉल क्रिएट करती हैं लेकिन जब माउंटेन्स की दूसरी साइड uh, से रेंज की दूसरी साइड पर नीचे आती है तो वहां पर इनका टेम्पेचर बहुत तेजी से बढ़ जाता है एक एक करके हम रीजन वाइज इन कुछ इंपॉर्टेंट विंडस को देख लेते हैं सबसे पहले चिनूक की हमने बात कर ली इट इज अ कैटाबैटिक विंड इन नॉर्थ अमेरिका जो रॉकीज माउंटेन रेंजेस हैं दीज आर द रॉकीज माउंटेन रेंजेस इन रॉकीज में से अपनी वेस्टर्न साइड से ये विंड ब्लो करती हुई आती हैं, राइट एंड देयर फोर इन सेंट्रल अमेरिका रीजन इन द प्रेरीज़ ग्रासलैंड रीजन ये विंड्स काफी गर्म हो जाती हैं और इसके कारण इसको हम स्नो ईटर नाम भी देते हैं चिनूक का मतलब ही है स्नो ईटर क्योंकि विंटर्स जब नॉर्थ अमेरिका में आ रहे हैं तो ये पूरा ग्रासलैंड स्नो से कवर हो जाता है लेकिन बिकॉज ये चिनूक ब्लो करेंगी तो ये रॉकीज माउंटेन्स की स्लोप से नीचे आते हुए गर्म हो जाएंगी और स्नो को मेल्ट कर देंगी इन दीज ग्रासलैंड ये रेंचर्स को काफी फायदा होता है रेंचर्स के जो कैटल है जो शीप्स हैं हैं है, बफलोज हैं बाइस हैं उनके पैस को ओपन करने का काम करते हैं बर्फ को मेल्ट करके राइट सो इट इज अ ड्राई विंड इट इज अ हॉट विंड दैट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द रॉकी माउंटेन्स इन विंटर्स और अर्ली स्प्रिंग राइट नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेंटा एना की सेंटा एना विंड इज़ अ स्ट्रॉग एक्सट्रीमली ड्राई डाउन स्लोप विंड ऑरिजिनेट इनलैंड ऑफ कैलिफोर्निया तो यही सेंटा एना विंड्स जब दूसरी डायरेक्शन में चिनू की विंड फ्लो करती है इन दी समर सीजन तो क्या होगा कि ये सेंट्रल अमेरिका से रॉकीज को क्रॉस करके पैसिफिक कोस्ट की तरफ आएंगे और ये पूरे कैलिफोर्निया रीजन में बहुत ही हॉट एंड ड्राई कंडीशन क्रिएट करने का, का काम करते हैं इसीलिए इनको सेंटा एना या डियाब्लो विंड्स का भी नाम दिया जाता है ठीक है तो ये विंड्स की आ, आपको क्या पता चल गई लोकेशन किस कॉन्टिनेंट में किस कंट्री में ये विंड्स ब्लो कर रही हैं और इनकी खास बात क्या है ये कोल्ड या ड्राई विंड्स हैं या फिर हॉट एंड ह्यूमिड विंड्स हैं नेक्स्ट कम्स योर मिस्ट्रल मिस्ट्रल इज अ कोल्ड एंड ड्राई विंड इज फ्लोइंग इन फ्रांस फ्रांस के सदर्न लोकेशन से ब्लो करते हुए मेडिटेरेनियन की तरफ जाती है ये जो गल्फ ऑफ लायन का रीजन है यहां पर ये विंड्स ब्लो करती हैं ठीक है तो ये काफी कोल्ड कंडीशन लेकर आती है सदर्न फ्रांस के अंदर राइट नेक्स्ट कम्स योर सिरोको सिरोको इज अ विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम सहारा डेजर्ट टुवर्ड्स नॉर्थ सहारा डेजर्ट से नॉर्थ की तरफ चलते हुए ये बहुत सारे डस्ट को कैरी करते हुए मेडिटेरेनियन को क्रॉस करते हैं और क्योंकि ये विंड सहारा से आ रही हैं सो दे आर वेरी हॉट एंड बिकॉज दे आर हॉट एंड दे लैक मॉइस्चर ये मेडिटेरेनियन के ऊपर से काफी वैपोरेशन करवाते हैं और वाटर को कैरी करके लेके जाते हैं सदर्न यूरोप में और जब ये विंड्स यूरोप के कोस्ट में पहुंचते हैं इटली फ्रांस स्पेन या फिर हमारा जो पूरा एड्रांटिक कोस्ट है वहां पर रेनफॉल क्रिएट करने का भी काम करते हैं और जो डस्ट ये सहारा से लेकर आ रहे थे वो डस्ट वहां पर छोड़ देते हैं सो समटाइम्स द रेनफॉल विच इटली और सदर्न फ्रांस इट इज

सिमूम इज अ स्ट्रॉ ड्राई ड्रस्ट लेडन विंड विच इज वेरी हॉट विंड जो कि सारा डेजर्ट में और मिडल ईस्ट में ब्रो करती है इट ब्लोस इन अरेबियन पेनेंसुला इराक सीरिया जॉर्डन पैलेस्टाइन सहारा इन इजराइल एंड इट्स टेम्परेचर मे बी एज आई हैज फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस सो इट इज अ वेरी हार्मफुल विंड फॉर द लोकल वेजिटेशन एज वेल एज ह्यूमन लाइफ राइट सिमूम के बाद ब्रिक फील्डर बात करें ब्रिक फील्डर भी अगेन ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पोर्शन में ब्लो करने वाली हॉट एंड ड्राई विंड है ठीक है ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया में ब्लो करती है समर सीजन में यह ब्लो करती है और दिस हॉट विंड्स विंडो स्ट्रांगली ओवर फॉर सेवरल डेज एंड ऑल वेजिटेशन और ये ये ब्रिक जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के में बुश या फॉरेस्ट को भी बढ़ावा देने का काम करती है राइट इट इज इन वन सेंस हेल्थी विंड एज बींग एक्सीडिंगली ड्राई एंड हॉट इट डिस्ट्रॉयज मेनी इंजूरियस जर्म्स तो ये जो ब्रिक फिल्डर ब्लो करती है ब्लो करती है हमारे समर सीजन के अंदर समर से पहले जो विंटर्स आते हैं सदर्न ऑस्ट्रेलिया में काफी ह्यूमिड होते हैं और इस वजह से यहां पर जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ के लिए सुटेबल नहीं रहती है लेकिन ये जब ब्रेक फ़िल्टर आती है तो ये बहुत सारे जो वहां डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम है जर्म्स हैं ह्यूमिड कंडीशन है इसको रिमूव करती है बिकॉज ये बहुत ड्राई एंड हॉट विंड है ठीक है इसके बाद बात करते हैं फर्मेंटल डॉक्टर फर्मेंटल डॉक्टर ज अगेन अ साउथवर्ड ब्लोइंग विंड जो कि ओशन से ब्लो करती हुई साउथ ऑस्ट्रेलिया के इनलैंड पोर्शन में आती है एंड इट अगेन ब्लोज समर मंथ इन दी साउथ वेस्ट कोस्टल ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज नेम्ड एज डॉक्टर विंड ऑल्सो बिकॉज ये समर टाइम जो हाई टेम्परेचर्स है उन टेम्परेचर्स को थोड़ा कम करने का काम करती है बिकॉज ये ओशन से आने वाली विंड है तो ये थोड़ी कूल होती है ह्यूमिड होती है और हॉट एंड ड्राई कंडीशन को रिमूव करने का भी काम करती है राइट right? नेक्स्ट अप इज विंड ब्लोइंग इन साउथ अमेरिका अर्जेंटीना राइट ये एक कोल्ड पोलर एयर का बर्स्ट होता है बहुत ही कोल्ड कंडीशन लेकर आती है विंड एंड इट इज मोस्ट कॉमन एट द विंटर इन दी सदर्न हेमोस्फियर राइट साउथ अमेरिका की विंड है नेक्स्ट कम्स से नॉर्थ वेस्टर जो कि न्यूजीलैंड के सदर्न एल्प से ब्लो करती है इट इज अ अटाबेटिक विंड जो कि सदर्न एल्प माउंटेन रेंजेस जो न्यूजीलैंड में लोकेटेड है उससे डाउन ब्लो करने वाली विंड है next comes our buran buran is a wind buran and karaburan these are winds which are blowing from the high pressure region of central asia okay it blows across iran eastern asia especially xinjiang siberia and kazakhstan and in tundra region it is also known as purga right it is a wind of cold air sometimes very strong characteristic of the steppe uh, of saramatic plain and west of the ural so you can see the high pressure bantai tibet in northern region may winds outwards blow kurti throughout the asian continent and in the central asia region it is known as karaburan uh, sorry buran and in the siberian region it is known as the purga ओके okay. सो so, ये हमारी दोस्तों कुछ लोकल विंड्स का हमने डिस्कशन किया है ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी पड़ती है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी दुरुस्त हुई है लुक एट द क्वेश्चन नंबर वन विद रेफरेंस टू द लोकल और विंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट वन एस फोन और फेन इज अ स्ट्रॉन्ग गस्टी ड्राई एंड कोल्ड विंड माउंटेन रेंजेस इस स्टेटमेंट में सब कुछ सही लिखा है कि फेन एक स्ट्रॉग गस्टी विंड होती है एंड इट इज ऑल्सो ड्राई विंड बट इट इज नॉट अ कोल्ड विंड इट इज अट वि हॉट नहीं तो उसको वार्म तो कह सकते हैं इट इज नॉट एट ऑल अ कोल्ड विंड एंड ये इट ग्लोज ऑन द लीवर साइड ऑफ द एल्फ माउंटेन रेंजेस एंड दैट इज वाई इट इज अ कैटाबेटिक विंड क्योंकि एल्फ से नीचे उतर रही है तो थोड़ी वार्म हो जाती है एंड देयर फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग राइट सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं सिमूम ज अ स्ट्रॉन्ग ड्राई डस्ट लेडन विंड ब्लोइंग इन द मिडल ईस्टर्न रीजन येस इट इज राइट ये बहुत ही हॉट ड्राई और डस्ट स्टॉम्स वाली विंड होती है जो कि मिडल ईस्ट में ब्लो करती है एंड देर फॉर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी राइट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड करेक्टली मैच विथ द रीजन दे ब्लो इन यहां पर देखिए विंड चिनू को मैच किया गया रॉकी माउंटेन्स इन द नॉर्थ अमेरिका विच इज एब्सोल्यूटली करेक्ट सिरोको uh, को मैच किया गया है मेडिटेरेनियन सी से और हमने देखा सिरोको सहारा से लेकर के मेडिटेरेनियन को क्रॉस करती हुई जाती है सदर्न यूरोप में ठीक है तो यह भी बिल्कुल सही मैच है ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में ब्लो करती है बिल्कुल सही मैच है एंड मिस्ट्रल इट ब्लोस इन सदर्न फ्रांस नॉट इन कैनेडा एंड देर फोर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी राइट लुक एट द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ऑलरेडी जो है मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है द क्वेश्चन कंटेन्स थ्री डिफरेंट स्टेटमेंट्स रीजनल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूस टर्सरी विंड्स, टर्सरी विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्टेटोफेरिक क्लाउड्स एंड मॉनसून विंड सिस्टम इज द लार्जेस्ट टर्सरी विंड सिस्टम इन द वर्ल्ड आउट ऑफ दीज थ्री स्टेटमेंट्स हमें पता है कि रीजनल टेम्परेचर और प्रेशर के जो डिफरेंस है लोकल प्रेशर और टेम्परेचर जो डिफरेंस है उसकी वजह से टर्सरी विंड ब्लो करेगी बिल्कुल सही है टर्सरी विंड रिस्पॉन्सिबल है पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड्स के लिए बिल्कुल गलत बात है पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड्स की अगर हम बात करें तो दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द पोलर वोटेक्स पोलर वोटेक्स जो कि जियोस्ट्रोफिक विंड्स की वजह से डेवलप हो रहा है ठीक है और मॉनसून विंड सिस्टम इज नॉट द टर्सरी विंड सिस्टम इट इज बेसिकली अ सेकेंडरी विंड सिस्टम राइट सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट एफ लेटेस्ट टॉक अब क्वेश्चन नंबर थ्री सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर विच द फोइ इज ऑल्सो नोन एड डॉक्टर विंड और इसका आंसर भी फॉरमेंटल विंड है फॉरमेंटल विंड जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में ब्लो करने वाली विंड है इट इज अ फॉरमेंटल विंड राइट So, दोस्तों इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन यहां पर कंक्लूड होता है जहां पर हमने कुछ वर्ल्ड की पॉपुलर टर्सरी का डिस्कशन किया है एंड इसी तरीके से नेक्स्ट स्थापना सेशन के अंदर मैं आपके साथ विंड्स की डिस्कशन करने जा रहा हूं तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन ग्रोइंग जय हिंद एंड जय भारत